ऑटो रिक्शा और टैक्सी से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मुंबई में आज टैक्सी, ऑटो रिक्शा और एग्रीगेटर्स कैब यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। ये लोग टैक्सियों के प्रीपेड किराए में बढ़ोतरी, टैक्सियों, निजी कैब और ऑटो के लिए उचित पार्किंग सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि यूनियन नेता तौफीक शेख ने कहा कि विरोध के दौरान एयरपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और एग्रीगेटर कैब सेवा प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर भविष्य में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यूनियन का इरादा उन मुद्दों पर जोर देना है जिनका उनके सदस्य सामना करते हैं। यूनियनों की मांग है कि प्रीपेड किराए में बढ़ोतरी हो, बेहतर पार्किंग सुविधाएं हो और उन ड्राइवरों के लिए आसानी हो जो पार्किंग ढूंढने में संघर्ष करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और वाहन रखरखाव, साथ ही मरम्मत बीमा और करों की बड़ी लागत जैसे कुछ कारकों के कारण उपनगरों में ऑटो रिक्शा के आधार किराए में 2 रुपए की बढ़ोतरी के लिए मुंबई रिक्शा मैन यूनियन ने सरकार से याचिका दायर की थी, जिसी के चलते आज इन सभी लोगों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है।